अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? सम टाइम हम सोचते हैं, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आज से 10 साल बाद का जो फ़ोन होगा वो कैसा होगा। सो, इसके लिए मैं आपको 10 साल पीछे लेके जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल पहले जो आईफोन था वो कैसा था। मेरे हाथ में जो इस वक्त फ़ोन है ये आईफोन 4S है, जो एप्पल ने 2011 में लॉन्च किया था। और ये आप फ़ोन जो देख रहे हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये एप्पल ने 2021 में इस साल रिलीज़ किया। इन दोनों मॉडल में 10 साल का डिफरेंस है और इस 10 साल के डिफरेंस में आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन्स के अंदर कैमरा में क्या डेवलपमेंट है, साइजेस में, डिज़ाइन में, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में क्या इसके डिफरेंसेस हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो एक एवोल्यूशन है एप्पल का ओवर द ईयर, ये 10 साल फ़र्क है दोनों में फ़ोन्स में। आप इस वक्त इनकी दोनों डिज़ाइन में भी देख सकते हैं, साइजेस में भी देख सकते हैं और स्पेशली जो कैमरा में आपको इस वक्त जो नज़र आ रहा है साइज़ और कैमरा की जो तादाद का जो फ़र्क है वो आप देख सकते हैं। सो, ये भी एक छोटा सा आपके साथ में शेयर करना चाहता। तो मे बी आज से जो 10 साल बाद के जो आईफोन होंगे, लाइक आईफोन 23 कॉल करेंगे हम, थोड़ा सा अजीब लगता है, आईफोन 23। सो, वो आईफोन किस तरह का होगा। बट ये आईफोन 4S, एक दौर था हमारा इस फ़ोन के साथ भी गुजरा, बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं इस फ़ोन के साथ भी हमारी। और बड़ा एक फील आती थी उस वक्त फ़ोन लेने की, मतलब और बड़ा एक अजीब लगता था। हालांकि ये अपने दौर का बहुत महंगा फ़ोन है, बट इस वक्त आपको पता है ये वाले फ़ोन जो हैं ये आसमान से बातें कर रहे हैं। सो गाइस, ये 10 ईयर्स एवोल्यूशन आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरे हाथ में iPhone 4S और दूसरी तरफ iPhone 13 Pro Max है। एक फ़ोन 2011 में और दूसरा 2021 में रिलीज़ हुआ है। ये एप्पल का ओवर द ईयर एवोल्यूशन है, एप्पल ने इसको किस तरह इवॉल्व किया है ये आपके सामने है। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी मशवरा आप मुझसे करना चाहते हैं, आप बिला तकल्लुफ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं वहां पे भी रिप्लाई कर दूंगा। आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे वो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।